उड़ीसा में आम आदमी पार्टी ने अभी लोकसभा चुनाव में निर्वाचन नहीं लड़ेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस का पार्ट के हिसाब से हम लोग इस बार लोकसभा में पार्टी नहीं दे रहे हैं। लेकिन विधानसभा में जो बातचीत चल रहा था कांग्रेस के साथ कि एक अलायंस भी हो सके, वो हो नहीं पाया। तो इसलिए उड़ीसा में पूरा 147 विधानसभा में हम लोग कैंडिडेट देने का निर्णय ले रहे हैं। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद उड़ीसा में आम जनता के अंदर आम आदमी पार्टी को लेकर समर्थन बढ़ा है, आम आदमी पार्टी का जो राजनीति बिजली फ्री इलेक्ट्रिसिटी पानी स्कूल हॉस्पिटल रोजगार उसके जितना जरूरत है उड़ीसा को उसको लेकर इस बार आम आदमी पार्टी लोगों के सामने जाएगा। और बहुत सारे राजनीतिक दलों से भी लोग जुड़ रहे हैं, तो सबको लेकर एक मजबूत विकल्प देने का हम लोग कोशिश कर